사람들 나는 불안 말로 환희를 빌어요. 사랑이란 말 아파. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत चंगो बल्लो। मैक एंड चीज का नाम सुना है आपने? एलजी मैक एंड चीज का तो नहीं सुना, मैक एंड से नाम से मुझे माइकल भाई का याद आ गया। मेरे माइकल भाई के बारे में बताओ मुझे। मैगी होगा या मैगी नहीं है तो बाकी दूसरा वो नहीं है, वो छोटे छोटे दाने होते हैं जीत की तरह के, मैक्रोनी या यही होगा। मैक एंड चीज अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। आप लोग मैक एंड चीज खाने के लिए तैयार हैं? जी जी जरूर, आज तैयारी करके आए हूँ, सफेद कपड़े पहनकर, काटन शाटन ये वो कर। ये है वो जिसका तारीफ किया था। ये ऐसे लग रहे जैसे मोती धागे में मोती पिरो, ये बिल्कुल ऐसे ही जो हार बना के पहना। बिस्मिल्लाह बरकतुल्लाह। मैक एंड चीज। वाह भाई वाह, आज पीरिंगा वाला ने भी वाह। आज बंदा बाड़ी बड़ी तो खलास तन है, मुमकिन बेहतरीन चीज है भाई। आए वल्ला, जो वो हम अपना बनाते हैं ना वो सभी आटे की अपने हाथों का, इस तरह के मतलब नरम होती है। इतने खर्चा किया, इतनी मेहनत की, कुछ इसमें जायका ही बन जाता। अल्लाह भी चाहिए कि मन साफ हो गया जोड़ मसले तो बेहतरीन गिड़ा से गया हर के अंदर मिलावट हो सरी थोड़ा था भाई बराबर। इसमें न मसाले न ये न वो न कोई और झंझट, बस बिल्कुल ही ऐसा तो चीज़ और ये पापड़ डाल दिए और बन गया ये। बेजारी या अफसरदगी की हालत में लोग इस खुराक को कंफर्ट फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अभी तो हम उदास नहीं है, अभी सही है। हम तो ऐसे आज के खा जाते हैं, उदास कौन है। जब गम में हम लोग, मैं बाजार अपना कहूँ ना, मुझे जब दुख होता है ना मैं खाना नहीं खा सकता। एक दो निवाले लिए आधा रोटी खा लिया बस ख़त्म भाई, फिर उस दिन नहीं खा सकता, ये मेरा है। लेकिन दूसरे लोग पता नहीं गम में किस तरह खा लेते हैं ये चीज़, सलाम है उनको। या टीवियाँ चलते रहे पर आप ये खाते रहो, या मोबाइल देखते हो तो एक जमाना खाओ फिर टीवी देखो, या मोबाइल देखते रहो उसी हिसाब से बेहतर है, मगर इसमें जायका नहीं। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर मेरे दिल में है तो चाय के सलेमानी चाय और होची। जेम्स हाइमंस नामी एक बावर्ची ने ये मैक एंड चीज बनाया था और इसे मशहूर थॉमस जेफरसन ने करवाया जो कि उस बावर्ची का मालिक था। तो फिर उससे नाइंसाफी हुई ना बेचारे से। जो बना दा गलत है यार, कि जोड़ के एकदम फायदा है मुंह ना फिर जोड़ में। तारीफ के काबिल तो बावर्ची है ना, जिसने मेहनत की बनाई और बनाई भी इतनी अच्छी जो आज तक मशहूर भी हुई और दुनिया को पसंद भी आई। ग्रेट डिप्रेशन एरा के बारे में सुना है आपने? उस दौर में इसे इस तरह के पैकेट्स में बनाया गया था, मतलब लोगों के लिए आसानी। जैसे कोई खाए ना खाए ये पॉकेट देखेगा तो उस शौक शौक में खाएगा कि पैकेट कितना अच्छा है इसका। इसे खवातीन का बेहतरीन दोस्त भी कहा जाता है। बनाती तो औरत ही है ना, मर्द को तो क्या, वो तो लेके आएंगे, डब्बे में मिले या शॉपर में मिले या खाली हाथ में मिले वो लेके आ जाएंगे। मेहनत तो बेचारी औरत को ही करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से ये वाकई नंबर वन है। अभी मुल्ला को हम कॉल करते हैं। इसी डोज लगवाएं, याद रखें कि मुकम्मल वैक्सीनेशन, मास्क पहनना और सामाजिक फासला कायम रखना ही आपको कोरोना वायरस से महफूज रख सकता है। मुल्ला वैक्सीन लगवा रहे। मैं मुल्ला को कॉल करने वाला था कि भाई आप बदनसीब है, आप नहीं आए तो उसकी वजह से मैं खुशनसीब निकला और ये जो है ख्वातीन का पैकेज फ्रेंड ये मुझे मिल गया है। उसने फ़ोन भी नहीं उठाया और बदनसीब। हमारे घर पे ऐसा मिलता तो इसमें मिर्ची डाल के फिर खा लेती, बना के सालन जैसे दूध और मिर्ची डाल के खाती। मैं इसको तजुर्बा भी करूँगा और रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भिजवा दूंगा कि भाई मैंने गोश्त में बनाया, देखता हूँ इसका कि भाई बन जाए शायद, इंशाल्लाह ताला वादा है दोस्तों के साथ।
मैं इसको बनाऊंगा अभी, गोश्त में डालूंगा और टमाटर में। अल्हम्दुलिल्लाह न कुंदन दूंगा जान जान खुराक से जान यार। बैंगन को काट वाट के उसके टुकड़े टुकड़े करके एक डब्बे में पैक करवा के और उसमें थोड़ा हल्का सा नमक, फिर अमेरिका भेजूंगी कि ये मायकन बैंगन आया है। कैसे बनाएगी ये, इसमें खुशबू नहीं हो जाएगी डब्बे में? वो आगे जाके उनका मसला आया, हमें यहाँ से बना के भेजना तो फायदा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर करे ना तो मेहरबानी, आरा जोड़ करे नहीं तो बाजे हम फिर शाह बाजे न सक। जेम्स भाई ने मेहनत की और वो नाम किसी और के हो तो उसको और भी दुख, उसको खर्चे का टेंशन नहीं होगा, लेकिन उसको अपनी मेहनत का और अपनी उम्मीद का ज़्यादा दुख होगा। बहुत से लोग इसको बनाते हैं, जो लेकर आया ये फार्मूला तो तारीफ तो उसी का उन्हीं का करना चाहिए। हमारे पेट्रोल पर आए, हमें सपोर्ट करें, हम स्कूल बना रहे हैं जिसके लिए हमें इम्तियाई आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें यूनिफाम, किताबें, पेंसिलें, किराया है, टीचर्स का सैलरी है और उनके पिक एंड ड्रॉप है, तो आप लोग हमें मदद करें और हम ताकि स्कूल को बाकायदा स्टार्ट कर सकें। जी नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, नया दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और ये रहा मेरा गिफ्ट, अल्लाह हाफिज भाई। अरे यार ये मैं अब जाता है भाई। वाह भाई।